नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सपा सांसद जया बच्चन को गुस्सा बहुत आता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। सदन में पीठासीन पर वो बरसी हैं, उन्होंने बीजेपी को श्राप दे दिया कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। और इन सब के अलावा कई बार, कई मौकों पर, कई इवेंट्स पर जया बच्चन को गुस्सा करते हुए देखा गया है। क्यों आता है उन्हें इतना गुस्सा? क्या ये रवैया उनका ठीक है? यही जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की, खासकर लड़कियों से। क्या है लड़कियों की राय, सुनिए। श्राप उन्होंने बीजेपी दिया, यार ये क्या है? पढ़ी लिखी हो, हीरोइन है, श्राप दे रही हो तुम? मोदी को आना होगा तो आएगा ही आएगा। कि जया बच्चन को हमको लगता है थोड़ी स्टडी करने की अपने लैंग्वेज में जरूरी है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसा नहीं कि दो दिन पहले से वो ट्रोल हो रही है, पहले से ही वो बदतमीज है। उनका गुस्सा उनके नाक पे ही रहता है और वो गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाती। कहाँ बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने बोलना है और क्या बोलना है, वो उनका कंट्रोल नहीं रहता है और वो बस जो मुंह पे आया, जुबान पे आया वो बोल ले गई। गुस्सा किसको नहीं आता? पब्लिक फिगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आ सकता। कुछ लोग गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। वो नहीं कर पाती, वो गुस्सा को दिखा देती है कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, वो सबके सामने दिखा देती। मुझे जिस तरह से उन्होंने संसद में बोला है वो बहुत गंवार वाली चीज़ें हैं। ऐसे आप नहीं बोल सकती कि श्राप मिल रहा है कि वो नहीं आएगा। ये बहुत ही बेहुदा सवाल और जवाब जो भी था उनका। कभी मोदी जी बोलते हैं, कभी कोई बोलता है, कभी योगी जी कुछ बोल देते हैं, तो चलता रहता है। इन लोग अपने आप में ही लड़ते हैं और फिर पीछे जाके पार्टी वार्टी करते होंगे सब लोग। Then listen to me carefully. What is going on? This is terrible. समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। We want justice. I am going to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी है। You are not interested in the bill. आप बोल रहे हैं। आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आप एड्रेस कीजिए शहर को। आप शहर को लाइक जोड़ दीजिए हम लोगों का। नेहा, जया बच्चन को गुस्सा बहुत आता है, पिछले कुछ दिनों से उनकी काफी चर्चा हो रही है, अगर आप खबरें देखती हैं तो। क्या लगता है, क्या उनको ऐसा गुस्सा करना शोभा देता है? देखिए, गुस्सा करना शोभा देता है कि नहीं देता, ये तो चलो नेचर होता है, हर इंसान का नेचर होता है। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है। पर क्योंकि जया बच्चन पब्लिक फिगर है तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मे भी हो सकता है उनका जो गुस्सा होगा वो सही चीज़ पे ही होगा, पर क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, उन्हें लोग इतना देखते हैं, तो आप कहीं भी कुछ भी नहीं बोल सकते। अब जैसे मैं हूँ, मेरा अगर नेचर है, मैं किसी को कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जया बच्चन बोलती है तो फ़र्क पड़ता है। जया बच्चन ने शायद संसद पे भी कुछ जो भी किया है, विधायक है आप, पब्लिक फिगर है, हीरोइन रह चुकी है, अमिताभ बच्चन की वाइफ है, बच्चन फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत बड़ा नाम है, तो एक लहजा होना चाहिए उनका। उनकी आदत है, वो कहीं भी कभी कभी उनके रीजंस, कभी कभी क्या, जनरली उनके रीजंस सही होते हैं। जैसे मुझे याद है एक बार वो एक किसी बच्चों के स्कूल के प्रोग्राम में गई थी, तो वहाँ बच्चे जो उनको जिस टॉपिक पे बोलना था, बच्चे उनके फ़ोटो खींच रहे थे, वो अचानक से रुक के उन्हें डांटने लग गई। भाई बच्चे हैं, तुम पब्लिक फिगर हो, वो तुम्हारी फ़ोटो तो खींचेंगे ही ना। तो ठीक है, आपने सही, लेकिन एक लहजा उनका गलत था। और शायद संसद पे भी जो उन्होंने बोला है, तो जो भी श्राप राप उन्होंने बीजेपी दिया, यार ये क्या है? पढ़ी लिखी हो, हीरोइन है, श्राप दे रही हो तुम? मोदी को आना होगा तो आएगा ही आएगा। तुम्हारे कहने से ही अगर हो जाता तो सबसे पहले कुछ अच्छा बोल दो देश के लिए, जो अगर तुम्हारा श्राप लगना हो तो भाई अच्छा ही कुछ हो जाए देश का। तो ये चीज़ नहीं है, ह्यूमन नेचर है उनका, नेचर गुस्सा वाला होगा, वो चलता है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी पब्लिक फिगर है वो, तो उनको थोड़ा अपना लहजा सुधारना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। आपको लगता है वो अड़ियल है या फिर जो मौका जैसा होता है उस हिसाब से रिएक्ट करती है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका नेचर ही यही है। अब वो पब्लिक फिगर उनको मेंटेन करना जो चाहिए वो नहीं कर पाती है, वो बस जो उनके मुंह पे आता है, जैसे होता है ना कुछ लोगों का, तो उनका वो नेचर होता है। वो अगर सही भी रहती है तो भी वो इसी तरह बोल देती है, और गलत रहती है तो फिर गलत ही रहती है। हालांकि अब मैं गवर्नमेंट पे नहीं जाऊंगी कि मैं किसके पक्ष में हूँ, बीजेपी की हूँ या कांग्रेस की हूँ, बट जिस तरह से उन्होंने संसद में बोला है वो बहुत गंवार वाली चीज़ें हैं। ऐसे आप नहीं बोल सकती कि श्राप मिल रहा है कि वो नहीं आएगा। ये बहुत ही बेहुदा सवाल और जवाब जो भी था उनका। फिर उन्होंने स्पीकर को भी जिस लहजे में बात किया वो उनका तरीका गलत था। तो इस अगर टॉपिक की बात करें तो बेवकूफ़ी की है जया बच्चन ने, और ये उनका जो तरीका था वो गलत है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि जया बच्चन इस तरह से ट्रोल हो रही हूँ अपने गुस्से को लेकर। अगर दो दिन की बात ना करें, इससे पहले भी जाएँ तो आप देखेंगे कि उनका गुस्सा उनके नाक पे ही रहता है और वो गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाती। कहाँ बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने बोलना है और क्या बोलना है, वो उनका कंट्रोल नहीं रहता है और वो बस जो मुंह पे आया, जुबान पे आया वो बोल ले गई। तो भाई अब है,
तो बोल दी, तो अब ट्रोल तो हो ही रही है, गुस्सा आता है तो गुस्से में तो कुछ भी बोल देता है इंसान, तो उन्होंने बोल दिया। अब उन्होंने बीजेपी के लिए बोला है कि मैं श्राप देती हूँ कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। सही मानती है इस बयान को कि आप कटाक्ष कर सकते हो, लेकिन इस तरीके का कटाक्ष? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं और वो सपा सांसद बोल रही हैं, तो मुझे लगता है कि पहले उनको अपने दिन देखने चाहिए कि उनके कौन से दिन चल रहे हैं। और ऐसे में वो बीजेपी के बुरे दिन लाने की बात कर रही हैं तो ये तो हास्यप्रद है। अब हम इसमें क्या टिप्पणी करें, और आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं अभी उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है और बीजेपी कहाँ खड़ी है। अगर दोनों की हम तुलना करें तो नहीं लगता है कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं और आ रहे हैं, हम कहीं नहीं सकते। अभी जहाँ सपा खड़ी है वहाँ तो उनको संघर्ष करना है, तो हमको लगता है जया बच्चन जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये छोटी छोटी सी बच्चों वाली बातें जो संसद में उठा रही हैं और उससे देश को क्या मैसेज जा रहा है, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और मुझे लगता है कि इस पर फुल स्टडी करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने ऐश्वर्या राय से पूछताछ की है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये उसकी खिसियाहट थी जो संसद में निकली। देखिए, ईडी जो कह रही है पनामा पेपर लीक को लेकर, मैं आपको यहाँ पे एक बात साफ करना चाहूँ कि देश के हर नागरिक की जो भूमिका होती है वो देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की होती है, और वो पक्ष में है विपक्ष में है ये मैंने नहीं रखता। वो कहाँ है और देश के लिए क्या आइकॉन है वो मैंने रखता है। अगर वो संसद के अंदर है और उनकी बहू पर इस तरह के एलिगेंस लग रहे हैं तो उनको खुद चाहिए कि एक कदम आगे आकर वो चीज़ें दिखाएं कि हाँ, अगर इस तरह की बातें उठी हैं तो उसमें वो खुद सहयोग करें, ना कि इस तरह से तिलमिला जाएं और इस तरह के बेहूदी वाली बातें संसद के अंदर बैठ के करें जो कि बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। आपको लगता है थोड़ा लहजा सुधारना चाहिए या रवैया ही सुधारना चाहिए? देखिए, लहजा और रवैया दोनों अगर कहें तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर लहजे सुधर जाएंगे तो रवैया भी उनका अपने आप सुधर जाएगा। और खैर, हमें नहीं लगता कि जया बच्चन को, हमको लगता है थोड़ी स्टडी करने की अपने लैंग्वेज में ज़रूरी है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसा नहीं कि दो दिन पहले से वो ट्रोल हो रही है, पहले से ही वो बदतमीज़ है, तो उनकी बदतमीजी जो है बहुत पहले से चली आ रही है। श्रेष्ठ, जया बच्चन का नाम सुना ही होगा आपने? हाँ हाँ, सुने हैं। कई बार देखा होगा कि बहुत गुस्सा कर जाती हैं, पिछले कई दिनों से चर्चा में है, क्यों आता है उन्हें इतना गुस्सा? गुस्सा किसको नहीं आता, पब्लिक फिगर है तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आ सकता। कुछ लोग गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। वो नहीं कर पाती, वो गुस्सा को दिखा देती है कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, वो सबके सामने दिखा देती, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। वो जैसे लोग होते हैं नॉर्मली, यार हीरो हीरोइन तो इसका क्या मतलब, वो हर चीज़ को अपने छुपाएं, नहीं हो पाता उनसे तो वो गुस्सा दिखा देती हैं। उन्होंने संसद में बोला है, राज्यसभा सदन में उन्होंने बोला है कि मैं बीजेपी को श्राप देती हूँ कि उनके बुरे दिन आने वाले। श्राप? पार्टी वो विपक्ष में है तो वो कुछ भी बोल सकती हैं, हर पार्टी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है, ये दिन तो वो बोल दी। हाँ, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आजकल यही हो रहा है ना, हर पार्टी को पोक किया जाता है कि कुछ ऐसा बोल दे और दूसरा पार्टी उसी को उठाता है, उसी मुद्दे को, तो ये सब तो होता रहता है। तो वो बोल दी, ठीक है, मुझे नहीं लगता, कभी मोदी जी बोलते हैं, कभी कोई बोलता है, कभी योगी जी कुछ बोल देते हैं, तो चलता रहता है। इन लोग अपने आप में ही लड़ते हैं और फिर पीछे जाके पार्टी वार्टी करते होंगे सब लोग। अच्छा, गुस्सा आना अलग बात है और लहजा खराब होना अलग बात है, तो उनका लहजा भी अभी अगर आपने देखा हो, पूरी उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो लहजा आपको ठीक लगा? गुस्सा आना अलग चीज़ है, लहजा? हाँ, लहजा ठीक नहीं था, लेकिन अगर गुस्से में इंसान बोल रहा है तो ये थोड़ी ना बोलेगा मोदी जी बड़े वैसे थे, वो गुस्से में तो लहजा तो बिगड़ेगा ही इंसान का। अब अगर हम आपसे गुस्से में बात करेंगे तो कैसे करेंगे, और आप कैसी हैं, हम तो ये कहेंगे यार कैसी बदतमीज़ जैसे बात कर रही हो, ऐसे ही बात करेंगे ना, गुस्से में बात करेंगे, तमीज़ से थोड़ी ना बात करेंगे। तो ठीक है, लहजा ख़राब था, इंसान का गुस्से में लहजा ख़राब हो ही जाता है, ठीक है, अपने जगह वो भी हीरोइन है तो इसका मतलब ये नहीं, पब्लिक फिगर है तो ये नहीं कि वो नहीं दिखा पाती। कुछ लोग अपने आप को शो ऑफ करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, हमें लगता है वो ठीक है अपने जगह, वो अपने आप को जैसी हैं वैसी वो दिखाई, ठीक है। जैसे हम लोग गुस्से अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम लोग हीरोइन नहीं तो हम लोग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपका नाम? चंद्रकला। जया बच्चन का नाम सुना होगा? हाँ जी। बहुत गुस्सा आता है उन्हें? हाँ पता है, आता है गुस्सा, उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने उम्र और पद का ध्यान रखना चाहिए, वो एक सांसद है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, पर इंसान को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मानते हैं उन्होंने वो बोला कि बुरे दिन शुरू हो गए बीजेपी के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने से कुछ खराब हो जाता है, कोई साधु महात्मा या देवी देवता तो है नहीं कि बुरा हो जाएगा, यह है कि उनकी अपनी भाषा पर ध्यान रखना चाहिए।
गलत बोला उन्होंने। अब वो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि इन्हें तमीज़ नहीं है, कोई उन्हें बदतमीज़ कह रहा है, कोई गवार कह रहा है, कोई कह रहा है कि एक लहजा होता है, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो आप कुछ भी नहीं बोल देंगे। हाँ, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब वो जो बोली है उनको तो अब झेलना ही पड़ेगा। कभी कभी इंसान को गुस्सा आ जाता है, इस वजह से उन्होंने बोल दिया। विपक्ष में है, कुछ भी बोल सकती है। वो लोग पार्टी से बिलोंग करते, अपने अपने को बचाने के लिए वो बोल सकती है। नहीं, पार्टी की बात भी, और कई बार उनको देखा गया है कि वो मीडिया को भी डांट देती हैं। रिपोर्टर कोई सवाल पूछता है तो कहती है हटिए यहाँ से, कैमरे की लाइट हटाइए। हाँ, वो थोड़ी सी उनको गुस्सा आता है, बहुत आता है, पता नहीं क्या बात है। हो सकता है अपनी फैमिली की बचाव करते, या फिर फैमिली पे लोग पीछे पड़ते हैं, मीडिया वाले या फिर पार्टी वाले, उसकी खुन्नस हो। उनका हमेशा ऐसा तो चलता ही रहता है। आपको लगता है ऐसा करना चाहिए या थोड़ा सा उन्हें सुधार करना चाहिए? थोड़ा सा उन्हें सुधार की जरूरत है, अपनी भाषा और अपने लहजे का।